एजेंसियां भी जब्त की गई हैं। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमतु ने आज मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज में दखल दे रही है। मतु ने कहा कि जब भी हमने श्रीनगर शहर की तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो कौमी धारे की सियासी जमातों ने हमें तकसीम करने की कोशिश की। उन्होंने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। मतु ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक डिप्टी मेयर पर करप्शन और बदनवानी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। हमने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि शहर में बदलाव आए, लेकिन जब जब हमने इस कोशिश में, पहले तो जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे, इमरान साहब और मुझ में जब इत्तेफाक हुआ, जब हम यूनाइट हुए शहर के लिए, शहर के बका के लिए, इमरान साहब भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, हम यहां पे सियासत में कोई एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, कोई मजबूरन नहीं आए, शोकन आए हैं, और जब हम इकट्ठे हुए तब यही तंजीमें निकली, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली, हमें तफरीक उठाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए और डिवीजन के फायदे उठाए, हर एक किस्म का फायदा उठाया। वो फायदे जो मैं यहां पे आपको अगर बता दूं, शायद इनका सियासत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए, मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच हॉरेंडस, टेरिबल एंड हॉरेबल प्रूफ्स अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड देयर सन्स एंड देयर लीडर्स कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सबकी माए और बहने हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मतू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नमाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 ईयर्स। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज ए मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबाकदल के ही कोचे ठीक करने हैं, खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है? दूसरी बात है जी, ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी, क्या निशात ईश्वर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डल गेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में सड़कें बनती हैं, उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं, उनका क्या कहने, उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है? लेक के इस तरफ पे अहले सुन्नी भाई रहते हैं, इस तरफ अहले शिया भाई रहते हैं, उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है, तो वो बताए ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं, कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि वो इसके रूट्स पे जाए। मैं कसम खा के एक चीज आपको बोलता हूं, आप पूरे मुल्क की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइए, जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे और जब मैं मेयर रहा हूं, अगर एक इलीगैलिटी निकलेगी, मैं इनके तहत भी आपको यहां पे आई टेक द लिबर्टी वादा करता हूं, हम दोनों सियासत छोड़ देंगे। FBI, NIA, ED एक इलीगैलिटी लाइए, लेकिन हम ये भी सवाल कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत तो एक बंदे के अकाउंट में से निकले। SHO शहीदगंज की रिपोर्ट तो श्रीनगर पुलिस SSP साहब के पास भेजी गई है, जिसमें साफ लिखा है कि 3 लाख की रिश्वत ली गई है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है। इस वक्त की एक अहम बड़ी खबर बारामूला से आ रही है।